आधार मित्र, आधार मित्र में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आधार मित्र रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी मिल जाता है। उस आईडी की मदद से क्या आप आधार का नया अप्लाई कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं या फिर ओनली प्रिंट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या काम होगा? आधार में जो एनरोलमेंट करते हैं, जो आधार सेवा केंद्र वाले, क्या आप इस पर भी वो काम कर सकते हैं? चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आधार मित्र रजिस्ट्रेशन क्या है। एक्चुअली इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आधार मित्र का आई डी मिलने के बाद आपको क्या होगा और ये कौन कौन लोग कर सकता है? अगर आप एक CSE VLE हैं तो क्या आप ये काम कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल यूज़र हैं जो लोग CSE सेंटर नहीं चलाते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा या फिर नहीं? चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगा, इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया हूँ। यहाँ पर जैसे आ जाएंगे तो काफ़ी सारा मेनू मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तीन ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे आधार सुपरवाइजर एक है और नीचे अप्लाई हेयर का भी एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दरअसल हुआ यूँ कि कोई भी यूज़र आधार सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकता है, ये कह सकते हैं हम आधार मित्र का सर्विस। तो इसके जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया गया है 10th+2 है, कंप्यूटर नॉलेज है, और यहाँ पर VLE अपने लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर भी क्लियरली लिखा है। और कौन सा स्टेट में आप रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट है कि नहीं, आपको यहाँ पर जानना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक सैलरी के तौर पर मिलेगा। तो आप CSE VLE हैं तो अपने आसपास किसी भी फ्रेंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टर्म्स को एक्सेप्ट करूँगा और क्लिक करूँगा एक्सेप्ट में, तो आपके सामने एक आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं CSE ग्रामीण नौकरी है, रजिस्टर कैंडिडेट, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ईमेल है और मोबाइल नंबर है, तो अभी आप यहाँ पर क्लिक मत करिए, आपको क्लिक करना होगा लॉग इन एज ए VLE में। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको अपना CSE ID और पासवर्ड डालना होगा, इसके बाद आपको साइन इन में क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन में क्लिक करेंगे, आपका VLE का डैशबोर्ड आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बस एक जन का किया था। तो यहाँ पर आपका CSE ID के साथ साथ नीचे काफ़ी सारा मेनू आ जाएगा, जिसमें आपका जॉब फेयर, कॉस्मोस जॉब्स बहुत सारे हैं, जो कि आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है बस आधार सुपरवाइज़र में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको उसी पेज में आ जाएगा जो कि आप अंदर आ चुके हैं। अभी आपको उस कस्टमर का ईमेल ID और वो कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP करना है, जो कि अप्लाई करना चाहता है, जो कि हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये लेना चाहता है और आधार मित्र में जोड़ना चाहता है, आधार सुपरवाइज़र में काम करना चाहता है, उसका आपको डालना होगा। अभी मैं कस्टमर का ईमेल ID डाल दिया हूँ, मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, उसके बाद सबमिट में क्लिक करने के बाद आपकी जो कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें एक OTP आएगा, जिसको यहाँ पर आपको डालना होगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP में क्लिक करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका आ जाएगा, जो कि आप कस्टमर का डाले हैं, और बाकी आपका पर्सनल डिटेल्स, यानी कि कस्टमर का पर्सनल डिटेल्स आपको यहां पर डालना होगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहां पर जो भी कस्टमर का आधार कार्ड का डिटेल्स है, उसी से ही आपको सब कुछ देखना होगा, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम क्या है आधार कार्ड में, मिडिल नेम क्या है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। कस्टमर जेंडर मेल या फिर फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस वो मैरिड है कि सिंगल है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे करेंट एड्रेस में आपको कस्टमर का एड्रेस डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर विलेज नेम या फिर हाउस नंबर लिख सकते हैं, स्ट्रीट, कॉलोनी, सेक्टर, सिटी में यहाँ पर उनका नियर बाई सिटी हो, सेक्टर हो, कोई कॉलोनी में रहता है उसका आप यहाँ पर दे सकते हैं डिटेल्स। पिन कोड लिखेंगे, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना होगा कस्टमर का, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और स्टेट। इसके बाद देखेंगे कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है और करेंट का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो करेंट एड्रेस अलग होगा और परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे कि कस्टमर जो है 12th पास आउट है, डिप्लोमा किया हुआ है पास आउट होने के बाद 12th, नहीं तो ग्रेजुएट की PG PhD PG डिप्लोमा जो भी किया है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऐसे अगर आप 12th करेंगे तो 12th किस सब्जेक्ट में, अगर वो +3 ग्रेजुएट करेंगे तो किस सब्जेक्ट में, PG करेंगे तो कौन से सब्जेक्ट में, वो क्या है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आधार के काम का कोई एक्सपीरियंस है क्या, कस्टमर को आपको पूछ लेना होगा। अगर यस बोलता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस देना होगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने मंथ का,
और ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पर काम किया है उसका भी आपको डिटेल्स देना होगा। इसके बाद यहाँ पर नोटिस पीरियड जो देते हैं 10 दिन 20 दिन 15 दिन पहले, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, जॉब कहाँ पर करना चाहते हैं, कौन सा स्टेट में करना चाहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर 3 जॉब लोकेशन मिलेगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर का। UIDAI सर्टिफिकेट डिटेल्स, आपको इसके लिए कस्टमर का UIDAI सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, उसका उसका स्कैन करना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा, उसका फाइल को PDF या फिर JPG में कर सकते हैं। और यहाँ पर उस कस्टमर का UIDAI का सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बायोडाटा फॉर्म को भी आपको फिल करना होगा, रिज्यूम जो बोलते हैं उसे। यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और रजिस्टर में क्लिक कर देंगे। इसके बाद उनका प्रोसेस होता है, कुछ दिन लगता है, उसके पास ईमेल या फिर मोबाइल के जरिए SMS आएगा, उसके बाद आप कस्टमर सेलेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा वो बात की बात है, बट आपका काम इतना है अगर आप एक CSE वैली हैं तो। तो आधार मित्र में ये काम होता है कि कस्टमर यानी कि कोई आएगा आपके पास अप्लाई करेगा, तो आप अप्लाई करेंगे किसी और के लिए, उससे कुछ चार्जेस ले सकते हैं, और वो अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसे 20,000 से 25,000 रुपये का एक सैलरी मिलेगा। उसका टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा दीजिएगा, उसके बाद वो आराम से काम भी कर सकता है। तो ये था आधार मित्र में, कोई आपको आधार सेवा केंद्र जैसे काम करना नहीं है, आपको खुद वहाँ पर नहीं मिलेगा। आधार मित्र में आप कस्टमर को आधार सुपरवाइज़र का आप एक पोस्ट दिला सकते हो, बस इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।